जी सर, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आप क्या कहते हैं, इन मुजरिमों का क्या करना चाहिए हम लोगों को? अरे यार, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है तो ऐसा करो, इनको ना पुलिस स्टेशन ले चलो, और मुझे ना एक रिटर्न रिपोर्ट जो है मेरे डेस्क पे चाहिए, वो भी अगले 1 घंटे के अंदर अंदर। अरे ठीक है सर, आपको मिल जाएगी। आप अब यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं, इन चोरों को भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे हाँ, ठीक है भाई, अच्छे से इनको पकड़ के बांध के रखना, बहुत तगड़े वाले चोर हैं, फिर से चोरी करने ना निकल जाएं। यस सर, कहीं नहीं भागती ये लड़की, ये बहुत तेज है, इनकी लीडर लग रही है मुझे। अरे हाँ, ये तो इन्वेस्टिगेट करके हमें पता चलेगा। बाकी इन पे नज़र रखना, ये कहीं पे भाग भाग ना जाए। और भाई, इनको अच्छी तरह ना पूरी पूरी हैंडकफ्स भी पहना दो। इसको उठा के डालो ज़रा गाड़ी में और इसको साथ लेके चलो। जी सर, ला रहे हैं, टेंशन ना लें आप। आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अरे हाँ, जा रहा हूँ भाई, मुझे भेजने की कितनी जल्दी है भाई इन लोगों को। गाइस, यार लॉस सैंटोस में पुलिस की ड्यूटी करना बहुत ज़्यादा ही जोखिम वाला काम है। यानी कि कल रात से इन चोरों ने ना एक बैंक में चोरी की हुई थी, और भाई इनको पकड़ने के लिए ना हम निकले हुए थे, और एट लास्ट जब हमने इन लोगों को पकड़ लिया है, सारी रात तो इन लोगों ने हमारी खराब कर ही दी है, बेकार सी सारी रात गुजरवा दी है। लेकिन भाई एटलीस्ट ये लोग पकड़े गए हैं। अभी मैंने शिनचान को कहा था कि मैं उसको लेके जाऊंगा भाई घुमाने के लिए, लेकिन भाई अब शाम हो चुकी है, तो भाई अब मैं सीधा यहाँ से ना अपने घर ही जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा कोई भी मूड नहीं हो रहा और काम करने का। अभी जाके सबसे पहले तो अपना आर्मर वगैरह उतारता हूँ, ताकि भाई आराम से मैं सुकून तो कर सकूँ, सारी रात का थका हुआ हूँ मैं। हेलो सर, आप आ गए? अरे नहीं भाई, रास्ते में हूँ, आ गया हूँ तो नज़र आ रहा हूँ ना, अजीब बातें पूछते हैं यार ये आजकल के पुलिस ऑफिसर्स। ये देखो भाई, मैं सारी रात से दिमाग ख़राब करने अपना बाहर निकला हुआ हूँ, और ये लोग भाई ऑफिस का टाइम ख़त्म होते साथ ही सब के सब छुट्टी पर चले गए हैं। इनका भी कुछ करना पड़ेगा। कमिश्नर साहब से बात करता हूँ कि ये लॉस सैंटोस की जितनी भी पुलिस है ना, ये सबको ही बदल दें। अभी ये वाला गाइस मेरा ऑफिस है अपना, और मैं इस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, और उसके बाद भाई बहुत सारे मुजरिमों को मैंने पकड़ा है, और अब मेरी जो रैंकिंग है उसको बढ़ा दिया गया, और अब मैं इस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को कंट्रोल करता हूँ। हाँ भाई, क्या बना है? वो सारे के सारे जो चोर आ रहे थे अभी तक पहुँचे नहीं हैं। अरे सर, उनको सेंट्रल प्रिजन में हमने शिफ्ट कर दिया है, रिपोर्ट आपको हमने ईमेल कर दिया, आप देख सकते हैं। अरे ठीक है भाई, मैं घर जाके देख लूँगा, आप तुम भी छुट्टी करना चाहो तो कर सकते हो। अरे नहीं सर, मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं छुट्टी नहीं कर सकता। अरे ठीक है भाई, फिर मैं घर जा रहा हूँ, और कमिश्नर साहब का अगर कॉल आए ना तो उनको बताना कि मैं घर चला गया हूँ। उन्होंने वैसे मुझे कहा था कि छुट्टी के वक्त ना उनको बता के जाऊँ, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं ज़्यादा कर रहा कमिश्नर साहब से बात करने का, क्योंकि गाइस जो हमारे कमिश्नर साहब है ना LSPD फोर्स के, वो भाई बहुत ही संगीन इंसान है, रात रात को भी कोई ना कोई काम ही बोल देते हैं। और अभी मैं अगर उनको फ़ोन करके बताता मैं जाने लगा हूँ घर, तो फिर कोई ना कोई काम ही उनको याद आ जाता। अभी रात गए उन्होंने, कल भी मुझे फ़ोन किया था और सारी रात मेरी बर्बाद कर दी थी, तो अब मैं नहीं चाह रहा था भाई उनसे फिर बात करूँ और वो फिर मेरी रात को बर्बाद कर दें। बाकी मैं सोच रहा था अभी शिनचान को और चॉप को लेके ना मूवी देखने चला जाऊँ, लेकिन भाई अभी इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि अब दिल ही नहीं कर रहा कहीं भी बाहर जाने का। वैसे लॉस सैंटोस की भी पुलिस डिपार्टमेंट की कोई समझ नहीं मुझे आती, यानी कि भाई इतने कम लोग भर्ती किए हुए हैं कि भाई हमेशा ऑफिसर्स की कमी हो जाती है। अब रात को देखो भाई, इतना सीनियर रैंकिंग का मैं बंदा हूँ, और मुझे रात गए कमिश्नर ने फ़ोन करके उठा के इस ऑपरेशन पे भेजा, जबकि भाई किसी और को भी वो भेज ही सकता था। अभी खैर, मैं क्या ही कर सकता हूँ इस बारे में। अभी अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करता हूँ, क्योंकि भाई बहुत महंगी गाड़ी है, चोरी हो गई ना तो भाई पूरे पूरे पैसे मुझे भरने पड़ जाएंगे, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट को। अभी जल्दी से जाकर मैं सोच रहा हूँ कि फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद भाई टीवी देखूंगा और फिर आराम से आज तो मैं लंबी तान के सोने वाला हूँ। अभी शिनचान कहाँ पे है देखते हैं। अरे चॉप भाई, कैसा है तू? अरे यार रैंकलिन भैया, आप आ गए क्या? अरे हाँ भाई, आ गया। अरे यार, ये खून कहाँ से लगा के हाथ पे, और सारी रात घर क्यों नहीं आए? अरे यार, रात को ना वो मैं मिशन एक करने गया था, और भाई वो चोरों को पकड़ना था, वो कुछ अपने दिमाग में मनी हाइस्ट कर रहे थे, तो भाई उनको जाके पकड़े और उनको थाने में अभी बंद करके आया हूँ। अरे यार, आप तो फिर सुपर हीरो बन गए होगे। अरे हाँ भाई, कुछ कह सकता है तू चौपर, ये गंदी हरकतें मत किया कर मेरे घर में, कितनी दफ़ा तुझे कहा है कि ये खगने की जगह है, बोल गया, ये सब करने की जगह है ये हैं? अरे यार, कभी कभी करने दिया करो, मज़ा बड़ा आता है। अरे यार चला जा चौपर, और मुझे बता शिनचान कहाँ पे है। अरे यार, शिनचान ऊपर टीवी देख रहा है शायद से। अरे टीवी देखता रहता है, इसको स्कूल से होमवर्क जो मिलता है ना, कभी होमवर्क टाइम पे नहीं करता ये लड़का।
अभी मैं सबसे पहले शिनचान को देख लूँ, फिर भाई फ्रेश होता हूँ और फिर अपने कपड़े बदलता हूँ। अभी इस लड़के ने ना कल रात से एक कॉल नहीं मुझे की कि भाई फ्रैंकलिन भैया ठीक हो आप कि नहीं ठीक हो, और इतनी देर हो गई है घर क्यों नहीं आए। अभी ये देखो सो रहा है यहाँ पे। अरे उठो है, अबे ओए उठ, अबे ओए शिनचान। अरे यार एक तो ये लड़का उठता नहीं है, ये देखो ऐसे मुर्दों की तरह सो रहा है, क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई मैं इसको। अरे ओ शिनचान शिनचान, अरे भाई क्या मुसीबत है, एक लात मारूंगा तेरे को, उठ अबे उठ जा। अरे यार क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया, अच्छी वाली नींद ले रहा था, मुझे क्यों उठाया। अरे भाई तेरे को कब से उठा रहा हूँ, तुझे होश नहीं है, कल से मैं घर नहीं आया, तूने मेरे से एक दफ़ा भी नहीं पूछा। अरे यार खुद ही तो कहते हो जब काम पे हो तो फ़ोन मत किया कर। अरे हाँ वो तो मैं कहता हूँ, लेकिन भाई फिर भी तू फिक्र करके थोड़ा फ़ोन तो कर लिया करना कि मैं जिंदा हूँ मर गया हूँ क्या हुआ मेरे साथ। अरे यार मुझे पता है इतनी जल्दी आप जान नहीं छोड़ने वाले हमारी। अरे क्या मतलब है, तेरी बदतमीजी मेरे साथ कर रहा है तू। अरे यार मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, कहाँ थे सारी रात। अरे यार बस ड्यूटी कर रहा था अपनी। अरे यार ठीक है आप जाके फ्रेश हो जाओ सो जाओ। अरे सो जाता हूँ भाई, अभी टीवी देखूँगा आके पहले तो। ठीक है यार गाइज मैं जल्दी से कपड़े वाले चेंज कर लूँ। अरे भाई घर आके अपने घर वाले कपड़े पहन के ना अलग सी ही एक फील आ जाती है गाइज, मज़े से आ जाते हैं। अरे शिनचान भाई मूवी देखते हैं। अरे यार जाके सो, कल रात से नहीं सोए आप। अरे सो जाऊँगा भाई, पहले मुझे मूवी देखनी है। अरे तगड़ी सी मूवी को देखता हूँ उसके बाद सोऊंगा भाई जाके। अरे यार मैं अभी देखूँगा आपके साथ। अरे अच्छा भाई तू भी देख ले। अरे भाई बहुत टीवी देख लिया शिनचान, आ जा चल सोते हैं चल के। अरे यार ठीक है आप जाके सो जाओ, मैं अभी थोड़ा और टीवी देखूंगा। अरे ठीक है भाई अच्छे से टीवी बंद कर दें, ऐसा ना हो कि चलता छोड़ जाए और बिजली सारी खत्म हो जाए हमारी। अरे यार नहीं होती, हमने कौन सा सोलर पैनल लगवाया हुआ है, बिजली खत्म नहीं होगी, सिर्फ हमें बिल ज़्यादा आएगा। अरे तो बिल क्या कौन भरेगा भाई, मुझे ही भरना पड़ता ना। चलो भाई जल्दी से अब जाके थोड़ा सा सो लेते हैं गाइस, यहीं पे सो जाता हूँ आई गेस। अरे भैया ये किसका फ़ोन आ गया भाई इस वक्त, अब यार क्या मुसीबत है। अरे जी कमिश्नर साहब इस वक्त मुझे फ़ोन किया आपने, सब ठीक तो था ना, अभी कल ही तो मैं ऑपरेशन करके आया हूँ एक। अरे फ्रैंकलिन तुम एक अच्छे ऑफिसर हो और काबिल ऑफिसर हो, इसलिए तुम्हें ही फ़ोन करता हूँ मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में मैं फंसता हूँ तो। अरे सर अभी क्या प्रॉब्लम हो गई, कल रात भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके आया हूँ। अरे फ्रैंकलिन एक छोटा सा और काम आ गया है। अरे सर अभी मैं सो रहा था, मुझे सोने देते तो मेरी एनर्जी पूरी हो जाती ज़रा। अरे फ्रैंकलिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये सोना वोना छोड़ो, सारी ज़िंदगी सोते ही रहना बाद में रिटायर जब हो जाओगे तो। अरे यार जी सर बोलें क्या काम है अब इस वक्त आपको। अरे यार फ्रैंकलिन एक ना हमें मर्डर केस की इत्तला मिली है। अरे तो सर ये तो क्राइम ब्रांच वालों का काम है ना, मुझे क्यों फ़ोन किया आपने। अरे नहीं नहीं तुम समझे नहीं मेरी बात, वो क्राइम ब्रांच वाले तो सो गए अब, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो वहाँ पर एक लाश मिली है जहाँ पर ना मैंने भेज दिया अपने लड़कों को। तुम्हें बस करना ये है कि वहाँ पे ना एक गाड़ी मिली है जो कि शायद से उस विक्टिम की गाड़ी है या फिर उस मर्डरर की गाड़ी है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और इस गाड़ी की तहकीकात करे और उसके साथ छेड़खानी करे, तो जल्दी से जाओ और वो गाड़ी लेके ना पुलिस स्टेशन छोड़ आओ ताकि भाई सुबह आके ना इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वाले उसको ले जाएं। अरे ठीक है सर अभी मुझे लोकेशन आप बता दो कि कहाँ पर ये सीन हुआ है ताकि मैं वहाँ पर चला जाऊँ और फिर जाके भाई वो गाड़ी उठा के ले आऊँ। अरे थैंक यू फ्रैंकलिन थैंक यू, तुम्हारी प्रमोशन मैं बहुत जल्दी करूँगा। अरे सर पिछले एक साल से आप मुझे यही कह रहे हो लेकिन प्रमोशन नहीं कर रहे। अरे कर दूंगा अभी जो कहा है वो करो जल्दी से जाके। अरे ठीक है सर ओके बाय भाई, भाड़ में जा भाई, ये क्या कमिश्नर है भाई, ज़िंदगी अदाब करके रखी है भाई इस कमिश्नर ने तो मेरी। अभी रात के देखो टाइम देखो क्या हो गया, पूरे के पूरे भाई रात के 1 बजे हैं और इस बंदे को आज मेरे से काम करवाना याद आ गया। अभी लोकेशन भी नहीं भेजी इसने, अभी लोकेशन भेजेगा तो जल्दी से मैं जाऊं वहाँ पे। अभी कह रहा था हिली साइड का एरिया शायद से, अभी पता नहीं कहाँ पे ही हमें जाना है। जीपीएस खोल के ऑटो ड्राइव पे लगा देता हूँ गाड़ी को और मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ तब तक। लोकेशन तो मेरे पास आ चुकी है गाइज, और भाई मैं सोच रहा हूँ कि ये पुलिस डिपार्टमेंट से ना इस्तीफा दे दूं, क्योंकि भाई इतने सारे ये काम करवाते हैं, ना ही मेरी पे बढ़ा रहे हैं और ना ही मुझे कोई प्रमोशन मिली है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई ये टाटा बाय बाय कह दूं इस डिपार्टमेंट को। लेकिन भाई 5 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है पुलिस के साथ तो मैं छोड़ भी नहीं सकता। अब ये सायरन को बंद करता हूँ ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो, अभी सो रहे होंगे। अभी यार जल्दी से जाकर मुझे देखना है कि कहाँ पर हुआ ये सारा का सारा एक्सीडेंट, और अगर मैं वहाँ पर अपनी वाली गाड़ी लेके जाऊँगा तो वो दूसरी गाड़ी कैसे लाऊँगा। हाँ उसने कहा था कि अपने लड़के उसने वहाँ पे भेज दिए हैं, तो ये वाली गाड़ी मैं उनको कहूँगा मेरे घर पे पहुँचा दें। हाँ ये मस्त प्लान है ये वाला। तो अभी यार काफ़ी ज़्यादा ना रात हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा ना बीच में से डर भी लग रहा है,
मैं अपने साथ कोई गन वन भी नहीं लाया भाई, गन वहाँ से जाकर किसी से उधार ले लूँगा ताकि भाई मैं तो थोड़ा सा सेफ रह सकूँ। एक तो रात को इस वक्त कोई बंदा भी नहीं है, ना ही कोई परिंदा, और भाई ये पता नहीं कौन ही मर्डर करके अब निकल गया है। एक तो लॉस सैंटोस के लोगों को भी सुकून नहीं है, आए दिन किसी ना किसी को मारते पीटते रहते हैं। और ये खबरियों को देखो भाई, इस वक्त भी चैन नहीं है, और यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। अभी पीछे से जाता हूँ भाई, ये क्या ही यार, इन्होंने रास्ता ही रोका हुआ है। अबे यार यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, वहीं से जाना पड़ेगा, क्या मुसीबत है। मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी अभी लगा देता हूँ, अच्छे से खड़ी कर देता हूँ। अरे भाई ऐसे कपड़ों में तस्वीरें खींच लेंगे ये लोग, लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ, अभी फालतू का मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दाया करूँ। अभी पीछे हो जाओ भाई तुम लोग, अबे ओ सारे के सारे साइड पे हो जाओ। अरे साइड पे हो जाओ, हमारे सर को आगे आने दो। अरे सर क्या बताना पसंद करेंगे, ये सब कुछ कैसे हुआ? अरे भाई तस्वीरें लेना मेरी बंद करो। अरे सर लेकिन हम तो वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई जो भी कर रहे हो सब कुछ बंद करो भाई, इतने घटिया कपड़े मैंने पहने और ये देखो तस्वीरें ले रहे हैं। अरे भाई सबको भगा यहाँ से। अरे सर मैंने कोशिश की थी लेकिन ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे, कुछ कहो तो कहते हैं सर फ्रीडम ऑफ स्पीच है हम लोगों के पास। अरे भाड़ में जाए फिर ये लोग। अबे यार इसका तो बहुत ही गंदे तरीके से किसी ने मर्डर किया है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, चोरी चकारी का मामला तो नहीं लग रहा मुझे। अरे नहीं सर, सब कुछ तो इसका यहीं पे पड़ा है, पैसे भी यहीं पे पड़े हैं, इसके सारे के सारे जो ज्वेलरी थी, गाड़ियों की चाबी थी, सब कुछ यहाँ पे ही है सर। तो भाई कोई इसके कपड़े वपड़े तो नहीं फटे हुए? अरे नहीं सर, ये वैसा केस नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, कुछ और ही लग रहा है मुझे ये। अरे हाँ भाई मुझे भी ये कुछ और ही लग रहा है। बाकी ये लड़की को बहुत ही गंदे तरीके से यार किसी ने मारा है अभी अभी। ठीक है यार तुम लोग क्राइम डिपार्टमेंट के आने तक ना अच्छे से इसकी तलाशी ले लो, और भाई ये इन रिपोर्टर्स को यहाँ से भगाओ किसी तरह। अरे ठीक है सर, टेंशन ना ले, हम सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर देंगे, सुबह ऑफिस में हम पहुँचते हैं टाइम पे। अरे ठीक है भाई, गाड़ी कहाँ पे खड़ी है ऑफिसर? अरे सर वो तो पीछे खड़ी है, आप जाके आप ले जाएं, कमिश्नर साहब ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि आपके हैंड ओवर करनी है वो गाड़ी। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने ही कमिश्नर से बात की थी भाई। अभी कौन सी गाड़ी? अरे भाई ये अच्छी गाड़ी लग रही है यार, ये तो कोई भाई चोट वोट के निशान है इस गाड़ी पे क्या? अरे नहीं सर, चोट वोट की गाड़ी पे कैसे निशान होंगे? अरे मेरा मतलब कि कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट के निशान? अरे नहीं सर, कोई निशान नहीं हो, ये गाड़ी सर खुल नहीं रही है, और ना ही जो लड़की के पास चाबियाँ थी वो इस गाड़ी की है। अरे तो हो सकता है भाई ये क्रिमिनल की गाड़ी हो, और भाई वो जल्दी जल्दी में डर के यहाँ से भाग गया हो और गाड़ी यहीं पर अपनी छोड़ गया है। अरे सर बिल्कुल ऐसे भी हो सकते हैं, अभी आप चेक करें शायद आपसे खुल जाए। अरे ठीक है मैं चेक करता हूँ भाई अभी। अरे यार खुली तो हुई है यार ऑफिसर, ऐसे कैसे तुम कह रहे हो कि खुली नहीं हुई? अरे ये क्या है भाई, बड़ी खतरनाक सी गाड़ी लग रही है ये तो। अरे सर ये तो काफ़ी अजीब सी गाड़ी लग रही है, इसकी लाइटें भी काफ़ी तेज़ और अजीब सी है। हाँ भाई मैं भी वही देख रहा हूँ अभी। ठीक है यार मैं घर लेके जा रहा हूँ पीछे ऑफिसर। अबे ओ गाइस अजीब सी गाड़ी ये लग रही है, अंदर से भी सारा कुछ लाल लाल है भाई, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सी गाड़ी है यार, यानी कि हर तरफ लाल लाल हुई। एक मिनट भाई ये क्या लिखा हुआ है, डाई लॉस सैंटोस भाई साहब, पता नहीं है क्या गाड़ी है, सामने से देखो भाई इसके लाइटें कितनी खतरनाक जल रही हैं, पता नहीं भाई ये क्या गाड़ी चाहती है। ओ भाई साहब इसका तो धुआं भी, ओ भाई इसका तो धुआं भी रेड निकल रहा है यार, ये देखो भाई साहब तो कोई नेक्स्ट लेवल की गाड़ी मेरे को लग रही है। ये देखो भाई पूरा का पूरा रेड धुआं निकल रहा है इस गाड़ी के अंदर से, और पता नहीं भाई ये क्या ही गाड़ी है। अरे भाई मुझे इसे जान छुड़वानी है, पता नहीं अजीबोगरीब सी गाड़ी ये कमिश्नर के बच्चे ने मुझे दे दी है कि जाके छोड़ के आऊँ मैं लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। अभी पास पास में पहुँच गया हूँ और आने ही वाला भाई अपना पुलिस स्टेशन, वहाँ पर इस गाड़ी को लगाता हूँ, पहले पेट्रोल सोच रहा हूँ डलवा लूँ थोड़ा सा भाई, पेट्रोल स्टेशन ही बंद है सारा। वेरी नाइस, अभी जल्दी से मुझे इसको बस किसी तरह छोड़ना है एक जगह पे, ये गाड़ी टिक भी तो नहीं ना रही, कभी यहाँ चली जाती है तो कभी वहाँ चली जाती है। अरे भैया बाहर निकाल दिया क्या इस गाड़ी ने, ये क्या हुआ भाई, मैंने तो गेट ही नहीं खोला था इस गाड़ी का। अबे अजीब सी गाड़ी है, पता नहीं क्या कर रही है, स्प्रिंग विपरिंग निकल गया क्या इसका, पता नहीं क्या निकल गया भाई इसका, बड़ी कोई मनहूस गाड़ी लग रही है। पर से ये गाड़ी इतनी ड्रिफ्ट पता नहीं क्यों कर रही है, यानी कि ज़रा सा हैंडल घुमाने की देर होती है और ये भाई गाड़ी ड्रिफ्ट करने लग जाती है। देखो ज़रा अभी पुलिस स्टेशन आने वाला है। अरे भाई इन्होंने पुलिस स्टेशन ना लॉक किया, और पीछे वाली साइड पे भी लगा देता हूँ गाड़ी, आई गेस यहाँ पर सही रहेगी। हाँ भाई ये जितनी अंदर रहे उतना ही ज़्यादा बेहतर है इस गाड़ी के लिए भी, और भाई हम सब के लिए भी।
क्योंकि मुझे इस गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा शक पड़ा है और मुझे लग रहा है एक क्रिमिनल जो है ना रिमोट कंट्रोल से इस गाड़ी को शायद से कंट्रोल कर रहा है। तो मैं इसकी चाबियां भाई अंदर छोड़ के आता हूँ जो कि मुझे इसके अंदर से मिली हैं। अजीबोगरीब चाबियां थी गाइस, यानी कि भाई इस पर लग भी नहीं रही थी और ना ही उतर रही थी, बड़ी खींच खांच के ये उतारी हैं मैंने सारी की सारी चाबियां। अभी यहाँ पे रखूँ या फिर यहाँ पे रिसेप्शन पे रख जाता हूँ ताकि भाई इन लोगों को आराम से मिल जाए चाबियाँ। ऑल राइट, तो अभी भाई मैंने सारी की सारी चाबियाँ वहाँ पर रख दी हैं, गाड़ी अंदर खड़ी कर दी है और भाई अब अपनी गाड़ी लेकर ना यहाँ से मैं निकलता हूँ। अरे भैया ये रही अपनी गाड़ी जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही इमरजेंसी के लिए खड़ी की होती है, कि ऐसे अचानक हम लोग कभी कभी पुलिस स्टेशन आ जाते हैं तो फिर हम लोगों को वापस घर जाने के लिए गाड़ी बहुत ही इमीडिएटली चाहिए होती है। अभी शिनचैन पता नहीं क्या ही कर रहा होगा, यानी कि मैं जब आया था तब तो वो सो रहा था, पता नहीं उसको पता चला है या नहीं पता चला कि मैं भाई रात को ऐसे उठ के ना दोबारा से अपने काम पर निकल आया हुआ हूँ। अभी घर तो पहुंचने वाले हैं हम लोग, बस भाई अब मुझे और कोई भी काम नहीं करना, और कमिश्नर को मैं सोच रहा फ़ोन कर दूं कि गाड़ी मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी है। हाँ भाई फ्रैंकलिन, क्या हुआ इतनी रात गए मुझे पूरी खड़ी, अभी मैं सो रहा था। अरे सर मेरी नींद ख़राब करके आप कैसे सो रहे थे? अरे सीनियर है तुम्हारा, तमीज़ से बात करो। अरे सर आप मेरे को दो दिन से ना रात को 2 बजे फ़ोन करके उठा के मेरी नींद जो ख़राब कर रहे हो उसका क्या? अरे अच्छा फ्रैंकलिन ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अभी मुझे ये बताओ कि क्या बना उस गाड़ी का? अरे सर ठीक है, वो गाड़ी अब उसको मैंने ना पुलिस स्टेशन में खड़ा कर दिया है और चाबी जो है मैंने रिसेप्शन पे रख दी है, सुबह जाके आप लोगों का जो क्राइम डिपार्टमेंट का हेड है उसको कहना उठा ले वो। अरे ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, अब तुम कल छुट्टी ले लो, कल लाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अरे ठीक है भाई, मेरे को आना भी नहीं है सर। अरे ठीक है बस रखो फ़ोन। ऑल राइट, तो गए यार अभी मैं जाके सोने लगा भाई, सारी रात खराब कर दी इस गाड़ी ने। अरे यार ये क्या हो गया? अरे चौप इधर बात सुन, अरे ये गाड़ियों को आग कैसे लग गई? अरे यार, अरे भाई हमारी गाड़ियों को आग आपने लगाई है क्या? अरे पागल हो गए बच्चे, हमें तो आवाज़ सुनाई दी, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। अरे लेकिन ये गाड़ी हमारी सारी की सारी जल कैसे गई? हमारी बाइक भी आपने जलाई क्या? अरे बच्चे पागल हो गए हो क्या? अरे आपने ये किया है, मुझे पता है आपने किया है, मैं पुलिस को बताऊंगा आपने हमारी गाड़ियां सारी की सारी तोड़ दी। अरे बच्चे पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा मुंह तोड़ू क्या छोटे से हो तुम? मैंने तुम्हारी गाड़ियों में आग बुझाई है ना? अरे अंकल आपको ऊपर वाला पूछेगा आपने हमारी सारी गाड़ियां तोड़ दी। अरे बच्चे मैं बता रहा हूँ मैंने तुम्हारी कोई गाड़ी नहीं तोड़ी, और अब यहाँ से निकलो चलो तुम, मैं जा रहा हूँ अभी तुम्हें जिंदा छोड़कर, लेकिन अगली दफा मिले तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार फिर मारने आ गए मुझे, फ्रैंकलिन भैया ने अच्छी क्लासें दी हुई है कि कैसे चोरों से बचना है। अभी फ्रैंकलिन भैया को जाके बताता हूँ हमारी गाड़ियाँ जल गई हैं सारी। अरे भाई ये क्या आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, पता नहीं क्यों पटाखे चला रहा है वो भी, भाई इतनी लेट रात को कौन पटाखे चला रहा है? वेट, अरे भाई शिनचैन ये क्या किया तूने? अरे यार मैंने नहीं किया, ये वो फायर ब्रिगेड वाला ने किया, वो यहाँ पे सारे के सारी गाड़ियाँ हमारी उड़ा के खुद भाग गए हैं यहाँ से। अरे वो कैसे भाग गया भाई मेरी दोनों गाड़ियाँ? अरे भाई लिटरली मेरी बाइक भी जल गई अभी यहाँ पे। अरे यार पता नहीं गाइस अभी कौन से फायर फाइटर थे जिनके बारे में ये शिनचैन कह रहा है, चला अंदर चल के देखते हैं, हो सकता है मेरे किसी दुश्मन का काम हो। एक तो यार गाइस जब से ही मैंने ये शुरू किया है ना पुलिस वाली ड्यूटी, तब से दुश्मन इतने ज़्यादा हो गए हैं, और भाई अब आ रहे हैं देखो फायर फाइटर दोबारा से। अरे यार ये लोग पहले भी आए थे और इनमें से किसी बंदे ने अभी उड़ा भी दी थी हमारी गाड़ी।
अरे भाई किस बंदे ने भी पता नहीं उड़ा दी थी गाड़ी। अब वेट, ये गाड़ी क्या कर रही है, वो भी मेरे गैराज में। अरे यार ये कितनी मस्त कार है, ये किसकी गाड़ी है यार? अरे भाई ये वो वाली गाड़ी है जो मैं वहाँ से क्राइम सीन से लेके आया हूँ। अरे यार इसके अंदर से तो लाल लाइटें निकल रही हैं। अरे भाई यही तो मसला है, इसके अंदर से लाल लाइटें निकलती हैं और पीछे से टायर का स्मोक भी देख लाल निकलता है। अरे यार ये गाड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही है। अरे फ्रैंकलिन भैया इसको वापस वहीं पर छोड़ो जहाँ से लेके आए हो। अरे भाई पुलिस की ड्यूटी है, वापस कैसे छोड़ूं मैं इसको, तो अपने साथ ही रखना पड़ेगा अभी। ठीक है अपने गैराज में यार गाइस खड़ी कर लेता हूँ अभी, शायद कोई मेरा कुलीग इसको यहाँ पे छोड़ गया है ताकि ये ज़्यादा सिक्योरली यहाँ पे रहे। अभी पता नहीं क्या ही दिक्कत हुई है और क्यों ही कोई छोड़ गया है, लेकिन सुबह मैं जाऊँगा तो भाई ऑफिस साथ ही ले जाऊँगा इसको। अरे यार ठीक है अपनी रिपोर्ट भी दर्ज कर लेना। अरे अपनी रिपोर्ट क्या, मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूँगा भाई मेरी गाड़ी किसने उड़ाई है। अरे यार ठीक है ऑल राइट। तो गाइस यार अभी मैं चल के सोता हूँ इससे पहले कि कुछ और हो जाए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मेरी बात नहीं मानते, लेकिन वाकई वो फायर फाइटर ने ये हमारी गाड़ियाँ जला दी थी, अभी इस गाड़ी को चुराने कोई ना आ जाए यार बस। अरे मैं अभी चल के सोता हूँ अब, ये आवाज़ कैसी आ रही है अंदर से। अरे यार ये दरवाज़ा कैसे खुल गया खुद ही, और इस गाड़ी की लाइटें क्यों इतनी ज़्यादा लाल है। अरे अरे मेरे ऊपर चढ़ गई, अरे मुझे बचाओ फ्रैंकलिन भैया। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ पे गए, अरे गाड़ी मेरे को छोड़ दे। अरे मैंने तुझे क्या कहा, गाड़ी मुझे छोड़ दे। अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे फ्रैंकलिन भैया। अरे भाई शिनचैन के चिल्लाने की आवाज़ें मुझे अभी आ रही थी, पता नहीं क्या ही कर रहा है ये उछल कूद। इसको मैंने कहा भी है कि आके आराम से सो जाए मेरे साथ, लेकिन आता ही नहीं। अरे भाई कितने टायरों के निशान कैसे पड़ गए। अरे भाई शिनचैन तुझे क्या हुआ। अरे भाई शिनचैन हेलो। अरे भाई ये कोई सोने की जगह है क्या। अरे भाई इसको अभी पता नहीं क्या खून, अरे भाई इसका तो खून निकल रहा है। अबे यार इसको पता नहीं अब क्या हो गया, गाड़ी में डालना पड़ेगा इसको सबसे पहले, और इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा गाइस। यार अभी तो भाई अच्छा वाला इसको छोड़ के गया था, अचानक पता नहीं यार गाइस इसको क्या ही हो गया। और भाई ये इतनी खौफनाक सी रात है यहाँ पे, ना भाई मुझे कोई बंदा नज़र आ रहा है और ना ही कोई गाड़ी इसको चल रही है, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है लॉस सैंटोस में। अभी इस वाली गाड़ी के अंदर जो मैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा गाइस अजीब है, यानी कि छोटी छोटी तंग तंग गलियों में से लेके जा रहा है और हॉस्पिटल का रास्ता तो दूसरा है। और भाई ये क्या ही कर रही है गाड़ी। मैं बस एक दफ़ा हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ फिर शिनचैन से पूछूंगा आखिर हुआ क्या इसके साथ। अरे यार शिनचैन तुझे क्या हो गया भाई, उठ जा यार प्लीज़। अरे ओ शिनचैन, अरे भाई ये तो उठ ही नहीं रहा, अभी गाड़ी इधर लगाता हूँ अंदर इसको लेके जाता हूँ। यार शिनचैन उठ जा भाई, क्या हो गया तेरे को यार। अच्छा भला मैं छोड़ के गया था इसको, मैंने कहा भी था कि अंदर आ जाए, पता नहीं बाहर इसको कौन ही मार गया। अभी पहले इसको नीचे उतारता हूँ फिर इसको अंदर लेके जाता हूँ। अरे डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मेरा ये भाई छोटा जो है वो ठीक भी हो जाएगा कि नहीं होगा। अरे फ्रैंकलिन देखो सीधी बात मैं तुमसे करूँगा, मैं तुमसे कुछ छुपाऊँगा नहीं। तुम्हारा ये जो दोस्त है इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इंजरीज आई हैं, हड्डियाँ वड्डियाँ टूट गई हैं इसकी, तो इसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और थोड़े दिनों तक इसको तुम घर लेके जा सकोगे। अरे थोड़े दिनों तक, अरे भाई थोड़े घंटों तक इसको ठीक नहीं कर सकते क्या। अरे देखो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस फिर लूँगा मैं तुमसे। अरे यार जितने पैसे लेने ले लो, लेकिन भाई इसको ठीक तो करो ना। अरे भाई बस मुझे अपना दोस्त ठीक चाहिए किसी भी तरह। अरे ठीक है फ्रैंकलिन, थोड़ी देर तुम आराम कर लो फ्रैंकलिन, तब तक तुम्हारा ये दोस्त भी ठीक हो जाएगा। अरे ठीक है भाई मैं फिर इधर ही लेट जाता हूँ यार गाइस, तब तक ये शिनचैन भी ठीक हो जाएगा। दो दिनों से मैं सही से सोया भी नहीं, तो यहाँ पे अच्छी नींद आ जाएगी मेरा ख्याल है। बाकी चौप पता नहीं कहाँ पे था, घर पे ही मैंने छोड़ा था उसको, तो कोई बात नहीं सुबह जाके देख लूँगा, अभी मैं सोने लगाऊंगा गाइस। अरे यार पता नहीं कहाँ पे चले गए फ्रैंकलिन भैया और शिनचैन, मुझे बताया भी नहीं इन लोगों ने। अभी मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन मैं खाऊँ कैसे, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। फ्रैंकलिन भैया, अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ पे हो आप। अरे यहाँ पे तो कोई लग ही नहीं रहा गाइस। अरे आप लोगों को पता है क्या गाइस के फ्रैंकलिन भैया कहाँ पे गए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा फ्रैंकलिन भैया गए तो गए कहाँ पे। अभी मैं ऐसा करता हूँ चुप करके नीचे जाके सो जाता हूँ वापस से, या फिर यहाँ पे ही सो लेता हूँ, ये भी तो मेरा ही बिस्तर है वैसे।
अरे अरे गाड़ी अंदर कैसे आ गई? अरे ये तो फ्रैंकलिन भैया अपने पुलिस स्टेशन छोड़ के आए थे। अरे ये गाड़ी कहीं पे मुझे मार ही ना दे, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? मुझे लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे अरे ये गाड़ी तो मेरे ऊपर ही चढ़ गई है। अरे अरे गाड़ी मैंने तुझे क्या कहा? अरे 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 फ्रैंकलिन भैया बचाओ आके। अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे फ्रैंकलिन भैया, अरे मुझे लगता है जाना पड़ेगा यहाँ से अभी। अरे मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे लगता है, इससे पहले कि एक गाड़ी मुझे मार दे जान से ही। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं आपके पास आ रहा हूँ अभी, पता नहीं फ्रैंकलिन भैया कहाँ पे गए हैं। अरे बस मुझे यहाँ से निकलना है किसी तरह। अरे मैं यहाँ से भाग रहा हूँ इससे पहले कि एक गाड़ी आए मेरे पास। अरे ये गाड़ी फिर से आ गई। अरे 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 ये गाड़ी मुझे क्यों मारना चाहती है? अरे फ्रैंकलिन उठ जाओ यार। हेलो फ्रैंकलिन। अरे भाई कौन है भाई, क्या हो गया भाई, सोने दो भाई मुझे। अरे चिंचन ठीक हो गया और सुबह भी हो चुकी है। अरे क्या भाई सुबह हो गई है? अरे भाई तगड़ी नींद आई यार मुझे रात को, मजे से ही आ गए। चलो चिंचन फिर चलें घर यार। अरे डॉक्टर साहब आपका बहुत ज़्यादा वाला शुक्रिया, आपने मेरे चिंचन को ठीक कर दिया, थैंक यू सो मच। अरे फ्रैंकलिन ये तो मेरा फर्ज था और पैसे भी तो तुमसे लेने थे ना। ज़रा मजाक मत अभी करें, चला जा भाई शिनचान चलें यार घर। अरे यार मैं इस गाड़ी में घर नहीं जाऊँगा। अरे क्यों क्या हो गया भाई इस गाड़ी को? अरे यार इसी गाड़ी ने मेरे पे हर हमला कर दिया था रात को। अब पागल हो गया, गाड़ी ने, गाड़ी के अंदर था क्या कोई? अरे यार नहीं, गाड़ी ने खुद ही हमला कर दिया था, अंदर तो कोई बैठा नहीं हुआ था। अरे भाई टार्जन वाली थोड़ी गाड़ी है ये। अरे यार टार्जन क्या है? अरे भाई वो मूवी आई थी ना टार्जन, जिसमें गाड़ी खुद ही चलती थी। अरे यार मजाक उड़ा रहे हो मेरा, मैं सही कह रहा हूँ ये गाड़ी खतरनाक है, इस गाड़ी के अंदर ना बैठो यार प्लीज़। अरे कुछ नहीं होता भाई शिनचान, फालतू में भी टेंशन ना ले, अभी ये देख कितनी मस्त चल रही है। अभी गाइस यार सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा लोग और गाड़ियाँ भी नज़र नहीं आ रहे, अभी जल्दी से ना घर चलते हैं। अरे यार चौप कहाँ पे है? अरे चौप घर पे है और चौप ने कहाँ पे होना है? अरे यार जल्दी चलो, चौप का कुछ होना गया हो, ये गाड़ी उसको भी मार चुकी हो जाए। अरे भाई ये गाड़ी सारी रात तो बाहर खड़ी थी हॉस्पिटल के, ये कहाँ से मार देगी चौप को? अरे यार ये गाड़ी तो आप पुलिस स्टेशन छोड़ के आए थे, आपके घर कैसे आ गई? ये भी तो सोचो ना, ये गाड़ी खुद कैसे चल रही है? अरे भाई शिनचान लगता है तेरे सिर पे ज़्यादा गहरी चोट आ गई है, अभी जो तुझे गाड़ी ऑटोमेटिक चलती हुई नज़र आ रही है। मैं कह तो रहा हूँ कि मेरा कोई कुलीग या फिर कोई पुलिस ऑफिसर छोड़ गया होगा ये गाड़ी को। अरे यार नहीं आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं सही कह रहा हूँ ये गाड़ी खतरनाक है। अरे कोई ख़तरनाक गाड़ी नहीं है भाई, फालतू में देखो यार गाइस ये ऐसे ही टेंशन ले रहा है, ये खुद ही कहीं से गिर गया होगा और इस गाड़ी पे नाम डाल रहा है ताकि मैं इसको डांटूँ ना। अरे यार चाहे आप अपने देखने वाले से पूछ लो, ये गाड़ी खुद ही चलती है यार। अरे यार गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ शिनचान को कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं चलती, बल्कि कोई चलाए तभी चलती है। अभी इसको पता नहीं दिमाग पे ज़्यादा ही गहरी चोट आ गई है, जो इसको लग रहा है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। अरे यार अभी आपको ये लोग बताएंगे ना, तब आपको मेरी बात पे यकीन आएगा। अरे हाँ भाई जब लोग बताएंगे तभी मुझे तेरी बात पे यकीन आएगा, अभी तो मुझे तेरी बात पे कोई 1% भी यकीन नहीं है। अरे यार ठीक है, जब आपके साथ भी होगा ना ऐसा, ये गाड़ी आपको भी उड़ा देगी, तब आपको पता चलेगा। अरे भाई तू तो भाई गुस्सा ही कर गया, सेंटिमेंटल हो गया। अरे यार मैं सही कह रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया, मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई मुझे पता है तू ऐसे फालतू में बातें करता रहता है, तो तेरी बात पे यकीन करने का क्या ही फ़ायदा है। वैसे भी अभी हम घर पहुंचने वाले हैं, चौप से मिलवाता हूँ ना, तभी तुझे यकीन होगा कि भाई ये गाड़ी किसी को भी नहीं मारती, चौप को भी नहीं कुछ कहा। एक मिनट भाई, ये चौप नहीं लग रहा क्या शिनचान? अरे यार मैंने तो पहले कहा था ये गाड़ी मनहूस है। अरे चौप के ऊपर से गाड़ी गुजर रही है। अरे भाई चौप के ऊपर से गाड़ी गुजार के कैसे गुजर गया? अरे यार गाइस अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, अभी मैं शिनचान को लेके गया था, अभी चौप को क्या हो गया? अरे भाई चौप, अरे वो चौप, अरे यार ये तो जवाब ही नहीं दे रहा शिनचान। अरे यार इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, इससे पूछते हैं ना ये गाड़ी कर्स्ड है और इसके अंदर से पता नहीं कौन सा ही बंदा बैठ के हम लोगों पे हमला कर रहा है। अरे यार अब तो मुझे भी गाइस शक हो रहा है कि ये गाड़ी नहीं सही है। अभी यार गाइस मैं जल्दी से चौप को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, और ये पता नहीं मौसम एकदम ऐसा कैसे हो गया है, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार गाइस, अभी पता नहीं क्या होगा। और गाड़ी की लाइटें भी ऐसी अजीब जल रही हैं। और भाई अगर आप लोगों को इस पे नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके लिखो, तब तक मैं और शिनचान चौप को लेके हॉस्पिटल पहुँचते हैं और इससे पता लगाते हैं कि क्या ही हुआ है इसके साथ।
अरे जो आपकी सांसें चल रही थी क्या? अरे यार पता नहीं चिंचन, मैंने अभी चेक नहीं किया, हो सकता है इसकी सांसें चल ही रही हो। अभी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा इससे पहले कि चॉप को कुछ हो जाए। बाकी ठीक है गाइज, हम लोग सीधा हॉस्पिटल जाने लगे हैं। आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज रखो अपना ख्याल, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।